हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बताऊंगा कि कोटि की कटिंग कैसे करते हैं। तो कोटि की लंबाई है 15 इंच और चेस्ट है 31 इंच और कमर है 28 इंच। तो 15 इंच लंबाई है तो 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है मार्जिन के लिए। तो पहले एक्स्ट्रा वाला भाग कट कर देंगे हम, और बाद में हम यहाँ से 15 है तो 16 इंच पे कट कर देंगे हम। 16 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे हम। ये कट कर दिया है, अब हम इसको ऐसे जमा देना है, ऐसे फोल्ड करके और ऐसे इसको जमा देना है। अब हमने इसको जमा दिया है और सबसे पहले शोल्डर रखेंगे हम 13 इंच। 13 इंच पे निशान लगा देंगे और आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे और चेस्ट रखेंगे 31 चेस्ट है तो 1 इंच लूज होगा तो 32 इंच होगा। 32 का 1/4 होता है 8 इंच। 8 इंच में निशान लगाएंगे और कमर रखेंगे हम 28 इंच, 1 इंच लूज रखे। सवा 7 इंच का निशान लगा देंगे और इसको हम मिला देंगे। दोनों को मिला देंगे हम, ऐसे मिला देना है। और अब हम आर्म होल निशान लगाएंगे, इसको ऐसे मिला देना है और ये ऐसे निशान लगा देना है। अब हम गोलाई ले लेनी है आर्म होल की और अब हम गले की गला रखेंगे हम 3 इंच। 3 इंच निशान लगाएंगे और पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। दोनों साथ में भाग काट देना है, बाद में आगे का भाग कट कर देंगे हम। तो ऐसे गोले ले लेने हमें, और यहाँ से कट कर देना है। गोले ले लेंगे आगे का भाग और ऐसे कट कर देंगे। अब हम गला रखना है हमें 6 इंच, 6.5 इंच ऐसे रखो। और यहाँ अब हम 2 इंच लगाएंगे। अब हम यहाँ से गोले लेंगे, इसी तरह से गोले ले लेनी है और ऐसे कट कर देना है। ये कटिंग हो गई है और यहाँ पे डोरी लगेगी, डोरी के निशान हो गए।
और पीछे का भाग 1.5 इंच कट कर देना है। और यहाँ से कोई यहाँ से गोले गले नहीं ऐसे कट कर देना है। ऊपर वाला भाग इसका फिट कर देंगे फिटिंग करके करके और ऐसे यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से कट कर देना है। ये कोटी की कटिंग हो गई है।